देखो भीड़ के हिसाब से तो सफल रही, जगह के हिसाब से हो रही कि उतनी भीड़ को हम जगह नहीं दे पाए और 30-30 किलोमीटर तक लोग सड़कों पर रहे और क्षेत्र की जनता वहां पर नहीं आ पाई, क्योंकि जो लोकल का लोग होता है वो सोचता है कि मैं टाइम पे चलूँगा और जैसे ही लोग 8 और 9 बजे अपने घरों से निकले उनको ये था कि 12 बजे से मीटिंग शुरू होती है और हम चले जाएंगे, लेकिन जैसे ही वे 8-9 बजे के आसपास अपने घर से निकले तो घर से निकलते ही उनको जाम मिला। पूरा जो क्षेत्र था, अपनी जो बेल्ट थी, ये सारी जो खास करके मुजफ्फरनगर के जो देहात के लोग थे वो इस भीड़ में कम आ पाए, क्योंकि पूरे रास्तों में जाम में और पीछे फंस गए। तो भीड़ तो बहुत ज़बरदस्त थी, इसकी कोई गिनती नहीं कर सकता। कोई एक आदमी होगा तो वो एक साइड देख सकता है, लेकिन चार साइड और लास्ट तक का वहाँ जाने के कोई रास्ते नहीं थे, तो भीड़ का तो अनुमान बहुत ज़बरदस्त भीड़ वहाँ पर रही है। और ये था कि 20 लाख से ऊपर भीड़ थी वो, जो जहाँ जहाँ से फीडबैक लोगों के लिए। ये जो भीड़ थी जुटी, अगर आप उसको सफल कहेंगे, सफल एक महापंचायत रैली थी, जो मैसेज आप सरकार को देना चाहते थे, क्या आपको लगता है कि इस भीड़ से इस सरकार को मैसेज मिला होगा? जो डर एक होता है कि वो होगा, आपको लगता है भाई क्यों नहीं मिला होगा? भीड़ तंत्र ही लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार है। तो भीड़ इकट्ठा हुई एक कोच पे, इतने लोग एक जगह इकट्ठा होना है, वही सरकार को मैसेज है। क्योंकि समझना चाहिए कि जनता आपसे नाराज है, तो आप अपने जो कार्यकलाप है उसमें सुधार करो। लेकिन इस भीड़, क्योंकि अगर हम कोरोना की बात करें तो कोरोना काल भी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इतनी भीड़ में मतलब ये सारा लागू किसान पे ही होता है क्या? ये यात्रा निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे, आपने उनको किसी को कुछ नहीं कहा। और कोरोना काल से तो भयंकर बीमारी सरकार है, जो सरकार के कानून है वो कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। कोरोना एक बार मारेगा, ये तो तिल तिल मारेंगे जो इनके कानून है। तो कोरोना से बड़ा भयंकर तो कानून है आज देश में, ये जो कृषि के जो कानून लेकर आ रहे हैं, जो पूरे सर्विस सेक्टर को बेचने लग रहे हैं, तो ये बड़े हैं, कोरोना से बड़े हैं ये। कोरोना में तो अपने भाषण में कल आपने कई मुद्दे उठाए, आपने कहा कि भारत बिका हुआ है, सरकार बिक रही है, भारत बिका हुआ है, ऐसा आपने कहा जी। आपने कहा कि रेड फोर्ट बिल आपको धोखे से ले जाया गया, क्या आप दिखाओ उसको कि कहाँ बैरिकेटिंग उन्होंने लगाए? जो रास्ते हमको पुलिस प्रशासन सरकार ने दिए उस पे बैरिकेटिंग पक्की, वहां पे वाटर कैनन का इस्तेमाल, पक्की चरचर और 10-10 लाइन की पक्की बैरिकेटिंग करी गई और दिल्ली जाने के रास्ते खोले गए। इन किसानों को पता है कि दिल्ली के कौन से रास्ते हैं? ऊपर ये 6 लाइन ऊपर जा रही है, 8 लाइनों का हाईवे, किसानों को पता है कि कौन सी लाइन से जाना है? आपने कहा कि आप धरना स्थल नहीं छोड़ेंगे। हम क्यों छोड़ देंगे धरना स्थल? धरना स्थल क्यों छोड़ देंगे? जब तक कानून वापसी नहीं होगा, ना हम धरना स्थल छोड़ देंगे, ना हम आंदोलन छोड़ देंगे। सरकार बातचीत करे, हमने बातचीत के रास्ते हमारी तरफ से खुले हुए हैं, सरकार की तरफ से दिल्ली के दरवाजे बंद हैं। अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने सवाल पूछा है किसानों से, जो किसान सवाल उठा रहे हैं सरकार पे कि ये बंद कर दिया मंडी दिल्ली, उन्होंने पूछा है कि 2 साल में कौन सी मंडी बंद हुई है, किसान हमें बताएं। मध्य प्रदेश में मंडी बेचने लग रहे हैं और मंडी में कहा कि इंडस्ट्रीज लगेगी क्योंकि मंडी की आमदनी कम होगी। तो जब प्रस्ताव वहां पर हो गए तो क्या कृषि मंत्री को ये नहीं पता कि मध्य प्रदेश में उस पर नीलामी शुरू होगी उनकी वहां पे, कि एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज यहां पे लगेगी मंडियों में, जो मंडियों की खाली जमीन पड़ी
कि मंडियों की आमदनी बढ़ाने के लिए मंडियों की जमीन बेची जाएगी, तो पहले उनको ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए कि आप क्या स्पीच दे रहे हैं, और पूरा देश का डाटा उनके पास में रहना चाहिए, क्योंकि जब टीवी पर बोलते हैं तो उनको पता रहना चाहिए कि मंडियों की जमीन बेचने का प्रोग्राम देश में शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार से उन्होंने प्रस्ताव मंगा लिए हैं, उन्होंने प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार ने मंडी बोर्ड से। संजीव बालियान साहब ने आप लोगों को कहा है कि अगर आप राजनीति में आते हैं तो वो आपका स्वागत करेंगे। नहीं नहीं, राजनीति में तो हमको तो आना ही नहीं है, वो अपना चुनाव लड़े, हमें कोई राजनीति का नहीं, हमारे इशू हैं, उन इशू को सोल्व करवावे। जैसे दूसरे लोग बीजेपी में रहते हुए किसान के पक्ष में बोल रहे हैं, जो एमपी एमएलए विधायक किसानों के पक्ष में नहीं बोल लगा तो जनता उसका ध्यान रखेगी। संजीव बालान को किसानों के पक्ष में आना चाहिए, जनता ने उनको वोट दे रखी है, हमारी भारत सरकार से बातचीत करवावे। जैसे वरुण गांधी ने कहा, सतपाल मलिक ने कहा है, तो ऐसे ही जो किसान विचारधारा के लोग सरकारों में शामिल हैं, उनकी बड़ी जिम्मेदारियाँ बनती हैं कि वे आगे आए, सरकारों से कहें कि किसानों से बातचीत शुरू करो, जो मसले हैं इनका समाधान करो, हमको कोई राजनीति नहीं करनी। कुछ राजनीति के बड़े सितारे जितने भी रहे, कई बड़े लीडर हैं, चाहे वो सब यादव जी हों, वो आंदोलन से ही निकल कहते हैं। जैसे अपने केजरीवाल जी एक बड़ा आंदोलन किया, सफल हुए पूरा राजनीति, क्या देश को फिर कोई ऐसा नेता मिलने वाला है राजनीति का? अब पता नहीं कोड निकल का है, हमें तो ज़्यादा जानकारी की चीज़ों की है नहीं। जिसको राजनीति करनी होगी वो राजनीति की तरफ चल जाएगा, जिसको आंदोलन करना होगा वो आंदोलन की तरफ चला जाएगा। ऐसे ना हम किसी पे बैन लगा सकते कि आप आंदोलन कर रहे हैं, आप राजनीति में नहीं जा सकते। सबका जब वोट देने का अधिकार सबको है तो राजनीति का अधिकार भी सबको है, जिसका मन जहाँ करेगा, स्वतंत्र देश है उसमें जा सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा से भी कोई निकल सकता है? अब क्या पता भाई किसी का, सब यहाँ पे अलग अलग भाषा के लोग हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, अलग पूरे देश से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, किसकी क्या विचारधारा है, तो कुछ भी हो सकता है। संयुक्त मोर्चा एक बड़ा वो है, इसमें 550 संगठन हैं, 550 संगठन में करोड़ों लोग हैं, अब कौन जा सकता है? जब वोट आदमी दे सकता है तो जा भी सकता है, क्यों? कोई ऐसा तो प्रतिबंध है नहीं कि यहाँ एफिडेविट बढ़ने के तुम संयुक्त मोर्चा इस आंदोलन का हिस्सा बन गए कि तुम राजनीति में नहीं जा सकते। अब क्या पता कोई जा सकता है, क्या कहते किसी के बारे में, अपने बारे में हम कहते हैं कि हमें नहीं जाना। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।